हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वैसे क्या आप जानते हैं कि नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ पे समर्स में इवन रात के 12 बजे भी सनलाइट नज़र आता है। इनफैक्ट ये टूरिस्ट वहाँ पे रात के 12 बजे ये स्कीइंग का वीडियो शूट कर रहा है। क्या है इसके पीछे की सच्चाई, देखने के लिए बने रहे मेरे इस वीडियो पे। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्रिप्शन बटन ज़रूर प्रेस करें। आपको पता है बच्चों के रोटेशन कंप्लीट करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है। वेल, यू गॉट इट राइट। इट टेक्स 24 आवर्स फॉर द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस। और अर्थ के इसी रोटेशन के कारण ही धरती पर दिन और रात होती है। अगर हम ध्यान से इस एक्सिस और रोटेशन को देखें तब हमें पता चलेगा कि ये परपेंडिकुलर ना होके बल्कि 23.5 डिग्रीज के एंगल पे टिल्टेड है। और आपको ऑलरेडी पता होगा कि अर्थ को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अराउंड द सन लग जाते हैं लगभग 365 1/4 ऑफ अ डे, और इसी को कहते हैं हम टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। दीज 1/4 पार्ट ऑफ द ईयर कंबाइंस टू फॉर्म एन एडिशनल डे ऑन एवरी लीप ईयर आफ्टर एवरी 4 years। द अर्थ मूव्स इन एन एलिप्टिकल पाथ कॉल्ड द ऑर्बिट। सो एलिप्टिकल या एलिप्स होता है ये शेप। सो ऑर्बिट पूरा सर्क्यूलर नहीं होता बल्कि ये स्लाइटली एलिप्टिकल होता है, और सन इस एलिप्टिकल पाथ के बिल्कुल सेंटर पे ना होके बल्कि इट इज स्लाइटली टूवर्ड्स वन एंड ऑफ दिस एलिप्स। इसी के वजह से अर्थ सन के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है ड्यूरिंग जनवरी एंड सबसे दूर जुलाई के महीने में। मगर क्या इसकी वजह से सीजन्स चेंज होते हैं? क्या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको जनवरी में गर्मी और जुलाई में सर्दियां लगती है? वेल, इसका आंसर जानने के लिए हम आ जाते हैं फिर से अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ, विच आई ऑलरेडी टोल्ड इज स्लाइटली टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्रीज। जून के महीने में अर्थ के इसी टिल्टिंग के वजह से नॉर्थ पोल फेस करता है टूवर्ड्स द सन और साउथ पोल रहता है सन से दूर, जिसके कारण जून में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स होते हैं, जबकि दिसंबर के महीने में यही नॉर्थ पोल रह जाता है दूर सन से और साउथ पोल बिल्कुल सन के नज़दीक उसको फेस करता है। तभी तो सदर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर में गर्मी का मौसम और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दियां होती हैं। सो अगर आप प्लान कर रहे हो ये पैंडेमिक्स ख़त्म होने के बाद कहीं घूमने जाने का बच्चों, तो याद रखना अगर ऑस्ट्रेलिया जाओगे जून में तो वहाँ पे सर्दियाँ होंगी, और जाओगे अगर यूएसए तो वहाँ होगी समर सीजन। कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कहाँ जाना पसंद करेंगे जून के महीने में और उस देश में कौन सा सीज़न चल रहा होगा तब। वैसे रेफर टू द मैप चिल्ड्रन टू नो द लोकेशन ऑफ दैट प्लेस फर्स्ट। वैसे यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, वो है इक्विनॉक्स का, जिसके लिए लेट्स हैव अ क्लोज लुक एट द सन रेज हिटिंग द अर्थ। अब देखो बच्चों, ड्यूरिंग सितंबर 23rd इक्विनॉक्स, जो कि जुलाई और जनवरी के लगभग बीचों बीच आता है, तब अर्थ का लोकेशन कुछ इस पोजीशन में हो जाता है जहाँ पे अर्थ के रोटेशन के वजह से ऑलमोस्ट 12 आवर्स टूवर्ड्स द सन रहता है और 12 आवर्स अवे फ्रॉम द सन फेस करता है, जिसकी वजह से 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होती है। इसी को हम कहते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स पे सन की रेज जो है वो सीधे इक्वेटर को हिट करती है। दिसंबर में नॉर्थ पोल सूरज से दूरी बनाता रहता है, जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे सन रेज डायरेक्टली हिट करते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, साउथ पोल में विद इन द एंटार्क्टिक सर्कल सारे लोकेशंस पे 24 आवर्स सनलाइट रहता है रोटेशंस होने के बावजूद, मतलब यहाँ पे इस टाइम पे रात होती ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एंटार्क्टिका, जहाँ पे लगभग 24 आवर्स सूरज मामा जागते ही रहते हैं और रात होती ही नहीं।
जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कुछ लोकेशंस जो कि विद इन द आर्कटिक सर्कल मौजूद है वहाँ पे 2400 घंटे अंधेरा रहता है, जैसे कि नॉर्वे में जहाँ पे 24 आवर्स यहाँ पे रात ही रहती है। इसके बाद धीरे धीरे जब 22 मार्च आता है तब फिर से अर्थ में 12 आवर्स डे और 12 आवर्स नाइट ही रहता है दुनिया के लगभग हर कोने में, जिसे कि हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। सो ईयरली ट्वाइस हमारे अर्थ में इक्विनॉक्स देखने को मिलता है, एक होता है 23 सितंबर को और दूसरा आता है 22 मार्च। फिर आगे बढ़ते हैं, जब आता है जून का महीना तब नॉर्थ पोल रिसीव्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट। इनफैक्ट सन रेज डायरेक्टली हिट करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और अब यहाँ पे कुछ लोकेशंस जैसे नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क में 24 आवर्स रहता है दिन, मतलब रात तो होती नहीं। इसको कहते हैं मिडनाइट सन। इनफैक्ट इसी मिडनाइट सन मतलब रात में भी सूरज मामू को देखने के लिए काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं।